हमारे अरुणाचल में दोनों फॉलो रिलीजियस होता है, हमारे आपातानी आदि गालो तागिन और हमारे निशी ट्राइब यहाँ का अरुणाचल का, हम सब ये सभी दोनों फॉलो रिलीजियस मानते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए। कुछ कारणों के कारण तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो एक्चुअली यहाँ दूसरा रोड है बला बस्ती कालुंग बला बस्ती आई थिंक एंड दैट वन। तो फाइनली यह पीछे रोड साइड है वो है यहाँ का सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो जाने का रास्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग पर तो मैं जा रहा हूँ सेंट क्लार्क कॉलेज। तो गाइस बने रहेगा मेरे साथ वीडियो पर, तो मैं कॉलेज का कुछ व्यू नज़ारा दिखाऊंगा आप लोगों को। वैसे इतना इंफॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास में सेंट क्लार्क कॉलेज का, तो जहाँ तक मेरे पास में इंफॉर्मेशन होगा तो मैं कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊँगा आप लोग को और कुछ बताएँगे आप लोग को। तो गाइस बने रहेगा मेरे साथ में आज के वीडियो पर। तो गैस मैं कॉलेज की ओर रास्ते पर जा ही रहा था, तो रास्ते पर एक मंदिर दिखा, मंदिर का गेट है तो पीछे आप देख रहा होगा ये एक मंदिर है। ये मंदिर जो है ये एक्चुअली यहाँ हमारा आपातानी का मंदिर है, तो इसको हम लोग नेदर नेलो आपातानी हम लोग का लैंग्वेज से नेदर नेलो बोलता है। तो ये दोनों पोलो मंदिर है हमारे आपातानी तरफ का, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारे अरुणाचल में दोनों फॉलो रिलीजियस होता है, हमारे आपातानी आदि गालो तागिन और हमारे निशी ट्राइब यहाँ का अरुणाचल का, हम सब ये सभी दोनों फॉलो रिलीजियस मानते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश पर। तो पहले ज़माने में ऐसे मंदिर नहीं होते थे यहाँ हम लोग दोनों पुलों का। तो मैं अंदर जाके थोड़ा आप लोग को दिखाएगा सोचा था, लेकिन अब सोच गेट बंद है तो बाहर से आप लोग इसका गेट को देख सकते हैं दोनों पुलों। आप ये देख रहा होगा ये है ग्राउंड। तो मेरे पहले ज़माने के थोड़ा याद ताज़ा हो गए हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त थे कॉलेज के, तो कुछ मैं नाम मेंशन में नहीं करूँगा तो सॉरी उसके लिए। तो अभी दो तीन घर बन चुके हैं एक्चुअली यहाँ, उस समय में यहाँ में एक ही घर थे तो एक कैंटीन रहा। तो हम लोग यहाँ में ऑफ टाइम पीरियड, तो ऑफ टाइम क्लास पीरियड टाइम पर तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लंच करने आते थे, हम लोग टिफिन लेके आके तो हम लोग यहाँ पर कुछ खाते थे दोस्तों का साथ में मिलकर। तो यहाँ से कॉलेज ज़रा दूर नहीं है, हाफ किलोमीटर होगा। तो वैसे अभी चलते हैं मेन कॉलेज की ओर। तो मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया है सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो। तो यहाँ पहुँचते ही वह इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमारे कॉलेज सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो का। तो गाइस मैं यहाँ का कुछ पहले आपको कॉलेज का थोड़ा व्यू दिखाऊंगा आपको, तो बने रहेगा वीडियो पर। तो
गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेंकर कॉलेज जो है ये एक मिशनरी मतलब ये क्रिश्चियन कॉलेज है। तो आप पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहा है ये इस कॉलेज का गिरजाघर है, ये चर्च है कॉलेज का चर्च। बस आप लोगों को मैं इस कॉलेज का मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा था, मैं दिखाने के लिए आप लोगों को इंटरेस्ट था मैं जो एक्चुअली मैं इस कॉलेज पर मैं भी यहाँ पे पढ़ाई किया था मैंने। तो मैं आंध्रा के लिए कुछ कारणों के कारण तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। तो एक्चुअली मैं बहुत साल के बाद यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ अभी इस कॉलेज पर, इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था यहाँ पर ब्लॉग बनाने का, आप लोग को कुछ दिखाने का, शेयर करने का। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाया, लेकिन पहले मेरे टाइम से और अभी का टाइम में बहुत ही बदल गया है ये सेंट कॉलेज जीरो। जहाँ तक मुझको इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताने का कोशिश करूँगा आप लोग का। तो गैस बने रहेगा वीडियो। गैस ये जो बिल्डिंग देख रहा है ये हमारे टाइम से ही था, और मेरे रूम जब मैं फर्स्ट ईयर या में बी ए फर्स्ट ईयर या में पढ़ाई किया था तो वहाँ पर जो सबसे आगे रूम में है वहाँ पे मेरा क्लासरूम हुआ करता था। तो ये वैसे का वैसा ही है अभी तक। और ये यहाँ पर बास्केटबॉल हुआ करता था और अभी तक ऐसे ही है, कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ सीमेंट का बना दिया। ये जो इतना बड़ा सा बिल्डिंग है और वो जो चार्ज है तो मेरे टाइम पे ये सब नहीं था। तो गाइस अभी हम घुसते हैं इस ये ग्राउंड के अंदर, कॉलेज का ग्राउंड के अंदर मेन ग्राउंड। यहाँ देखिए बस बस वहाँ जो अब दिख रहा है उसमें SCC 0 बॉयज़ हॉस्टल लिखा है। तो हमारे टाइम पे वहाँ पर एक कैंटीन होता था, तो हम सभी वहाँ पर ब्रेक टाइम में नाश्ता पानी चाय पानी या बिस्किट कुछ कुछ खाते थे, लेकिन अभी तो पूरा चेंज हो गया, अभी उसमें क्या हो गया पता नहीं। और गाइस ये है क्लासरूम सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो। तो हमारे टाइम पर ये भी नहीं थे, तो अभी देखो कितना बड़ा बना दिया है क्लासरूम कॉलेज का। तो गैस मैं अभी जा रहा हूँ गर्ल्स हॉस्टल की ओर, तो आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वहाँ का कुछ मैं वीडियो फुटेज में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गैस ये है रास्ता गर्ल्स हॉस्टल जाने का रास्ता, यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर रास्ता गर्ल्स हॉस्टल जाने का रास्ता। और गैस यहाँ पर है कैंटीन, आई थिंक ये क्या गर्ल्स के लिए कैंटीन है ना पटाने आई डोंट नो। और आज बंद है, आज कॉलेज भी बंद है। तो गाइस जस्ट नेक्स्ट टू फुटबॉल ग्राउंड तो यहाँ पर और एक ग्राउंड है, ये है एक्चुअली मेन बास्केटबॉल ग्राउंड। तो गाइस ये है गर्ल्स हॉस्टल सेंट क्लार्क कॉलेज जीरो का, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा हॉस्टल है गर्ल्स का। और यहाँ पर बांस है कॉलेज बांस। तो गैस मेरे को इतना और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस कॉलेज के बारे में, तो मेरा पहले का कुछ कुछ मैंने बताया आप लोगों को और अभी का बहुत कुछ फर्क हो गया है। तो आई थिंक अगर कुछ मेरे से कुछ गलती बोल भी दिए हैं और टंग और एनी अदर एनीथिंग एल्स
तो गैस जो भी हो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, और कभी कभी गलती हो भी जाता है बोलने में और दिखाने में। तो आई थिंक अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके लिए आप सभी को मैं माफ़ी मांगूंगा और एपोलॉजी मांगूंगा। ये एक रेसिडेंट का कंपाउंड में बनाया है, तो ये कॉलेज का नहीं होगा, तो पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है। देखने में तो चर्च या मंदिर जैसा लग तो रहा है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले और एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय भारत।